हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑफ फूड स्टिफ। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त यूसुफ हसन कातिब, और आपको खुशामदीद कहता हूं एक और न्यू और एक्साइटिंग वीडियो में। आज हम मौजूद हैं मेन शहीद मिल्लत रोड पर, ऑपोजिट मेडिकेयर हॉस्पिटल, और जो रेस्टोरेंट, जो वेन्यू आज हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं वो है द पिज्ज़ा वन। पिज्ज़ा वन क्या है? बहुत ज़बरदस्त पिज्ज़ा जॉइंट है और बहुत ज़बरदस्त किस्म के आइटम्स हैं जो कि इससे पहले आपने ना सुने ना देखे। तो क्या चीज़ें आज हम यहाँ डिस्कवर करने वाले हैं वो सब आपके साथ शेयर करेंगे, रिव्यू भी देंगे, कुछ बहुत ख़ास होने वाला है। वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। आइए आगाज़ करते हैं। तो देखते हैं कि कैसा एम्बियंस है। तारीफ तो बहुत सुनी है और फर्स्ट लुक में मुझे बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं हसन भाई? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। ये है हसन भाई, यहाँ पर सारी चीज़ें देखते हैं, रूहे रवा हैं। तो हसन भाई मुझे बताएं कि देखने में तो आपके रेस्टोरेंट का जो एम्बियंस है बहुत कमाल का है, और ये बताएं कि कितना पुराना है ये? हमें नेक्स्ट मंथ जो है 15 इयर्स हो जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। 15 इयर्स? सेम प्लेस 15th एनिवर्सरी हमारी। ओहो, वाह वाह वाह। 15 साल होने वाले हैं और 15 साल से सेम लेगेसी, सेम क्वालिटी डिलीवर कर रहे हैं। और मुझे बताएं आपकी क्या स्पेशलिटी है जो कहीं और हमें नहीं मिल सकती? हमारी काफ़ी सारी स्पेशलिटीज़ हैं, जैसे कि पिज्ज़ा केक है जो मार्केट में कहीं भी अवेलेबल है। पिज्ज़ा केक बहुत डिफरेंट चीज़ है और बहुत अच्छी चीज़ है। उसके अलावा मैक्सिकन स्टिक्स हैं, बारबेक्यू डिलाइट हमारे पिज्ज़ा में फ्लेवर है, बहुत ही कोई डिफरेंट फ्लेवर है और मार्केट में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। वाह वाह। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वो फिर आपको थोड़ी देर में हम दिखाएंगे किचन में जाकर। नहीं, बिल्कुल किचन के विजिट भी करेंगे, बल्कि मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर वॉकिंग टूर भी दे देता हूँ। आप एम्बियंस देखें, बहुत कमाल का, बहुत ज़बरदस्त एम्बियंस है, कूजी माहौल है। इफ़ यू आर विद योर फैमिली, विद योर फ्रेंड्स, तो आपके लिए परफेक्ट प्लेस है डाइन इन करने के लिए। और मुझे हसन भाई ये भी बताएं कि टाइमिंग्स क्या हैं आपके? टाइमिंग्स हमारी ओपनिंग टाइमिंग जो है वो सुबह 12 बजे है और 12 से लेकर रात 3 बजे तक हम डिलीवरी, डाइन इन, टेक अवे तीनों सेक्शंस के लिए। अच्छा, डिलीवरी कौन कौन से एरियाज में आप दे रहे हैं? हम ऑल ओवर कराची करते हैं। सोफाज यहाँ पर मौजूद हैं, बेहतरीन किस्म की लाइटिंग है, अच्छा टेम्परेचर है। तो मेरी रिकमेंडेशन है कि इफ़ यू वॉन्ट परफेक्ट प्लेस फॉर डाइन इन विद योर फैमिली, तो आप लोग ज़रूर यहाँ पर आएँ। अब हम बढ़ते हैं कि किचन की तरफ और देखते हैं कि किचन में क्या जादुई आइटम तैयार हो रहे हैं। मुझे आप थोड़ा सा बताएं अपने बारे में कि आपका फूड इंडस्ट्री से ताल्लुक है या फिर यू आर अ फूडी लाइक शौक में शुरू हो गया? आई एम अ फूडी लाइक यू गाइस एज़ वेल, और उसके साथ साथ जो है मुझे 5 साल का जो फूड इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस भी है। अच्छा जी, जबरदस्त। अभी स्टूडेंट भी हूँ, पढ़ भी रहा हूँ, साथ में जो है रेस्टोरेंट भी चला रहा हूँ। तो आप जो अभी स्टडीज आपने कंटिन्यू की हुई है वो फूड से रिलेटेड ही है या फिर समथिंग एल्स? नहीं, मैं बिजनेस की साइड पे हूँ। सही साथ साथ पढ़ रहे हैं ताकि एक बैकअप ऑप्शन साथ होना। और बातों के साथ साथ हम एंटर हो गए इनके किचन में। अच्छा अच्छा खासा बड़ा किचन है, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, बहुत वाइड किचन है। एज़ यूजुअल जो भी अच्छे नामी ग्रामी रेस्टोरेंट्स होते हैं तो वहाँ हाइजीन फर्स्ट होती है और ज़रूरी भी है, बहुत सारे लोगों का भरोसा जुड़ा हुआ हो। तो आइए आगे बढ़ते हैं, मैं आपको किचन के टूर दे देता हूँ। हसन भाई मुझे आप बताते जाइएगा कौन सा सेक्शन किस चीज़ के लिए मुख्तस किया हुआ आप लोगों ने? हमारा जो है वो डो मेकिंग एरिया है, डो रोलर है। ज़बरदस्त। इसके अलावा यहाँ से जो है वो हमारी रोटी निकलती है डो की। उसके अलावा ये अगर आप देख सकते हैं तो ये पूरा एक हमारा रेफ्रिजरेटर है। हो के साइज का रेफ्रिजरेटर है। अच्छा, पूरी ये आपने जो है ना फ्रोजन पेंट्री बनाई हुई है। ज़बरदस्त, मैं अंदर जा सकता हूँ? वी मेड अ व्लॉग ऑन विंटरलैंड, सो दिस इज अ मिनी विंटरलैंड। यहाँ पर पूरा रेफ्रिजरेटर है और जहाँ पर ये सारे अपने इंग्रेडिएंट्स और कॉन्डिमेंट्स रेफ्रिजरेट करके रखते हैं ताकि वो फ्रेश रहें। और यहाँ से हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, तो ये कौन सा सेक्शन है? ये हमारा ओवन है, सही है। पिज्जा बन के निकलता है तो यहाँ पे कट होता है। अच्छा, ये ओवन की जो कैपेबिलिटी है ये एक टाइम पे कितने पिज्जा निकाल सकता है? एक टाइम पे 8-9 पिज्जा निकाल सकता है। अच्छा, इसके अलावा ये 245 डिग्री से 250 डिग्री पे जो है वो रन हो रहा होता है। ओहो। और 6 मिनट 45 सेकंड्स के अंदर जो है एक पिज्जा एक साइड से दूसरी साइड पे। क्या बात है, क्या बात है। ये देखिए अभी एक पिज्जा बाहर भी आ रहा है बेक होके, और मेरे ख्याल में लार्ज ही है। हमारी अभी मेक लाइन जो कि इंजन होता है एक किचन का, ये हमारी प्रॉपर पूरी सेटल्ड मेक लाइन है। यहाँ टॉपिंग्स होती हैं, सारी टॉपिंग्स होती हैं, चिकन, चीज, वेजीज, सॉसेस, सब कुछ जो है यहाँ पे। अच्छा, मैं आपको ये बताता चलूँ, खास बात ये है कि ईच एंड एवरीथिंग, जिस सेक्शन में भी हम गए हैं सारा सामान जो है बड़ा नीट एंड क्लीन है। जितने वर्कर काम कर रहे हैं सब ने हेड कैप्स लगाई हुई हैं, साफ सुथरा माहौल है, हाइजीन का ख्याल जो है ना वो आपकी सोच ज़्यादा रखा गया है। तो ये हर रेस्टोरेंट की जान होती है, अगर वहाँ खाना हाइजेनिक नहीं होगा
तो कस्टमर कभी भी आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा। जिसके अंदर हमें ये पता चलता रहेगा कि इनकी मैन्युफैक्चरिंग कब हुई है, कितने टाइम में रिटार्ड करेंगे और फिर किस टाइम पे डिस्कार्ड करने का टाइम आ जाएगा। वाह वाह वाह, वो भी सब कुछ प्रॉपर्ली मेंटेन होता है हमारे पास, रिकॉर्ड्स होते हैं, सब चीज़ों के ऑयल हो गया, वेजी हो गया, सब चीज़ों के प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं। क्या बात। और ये आप देख सकते हैं सिर्फ फूड अथॉरिटी की जो रेगुलेशन है वो भी हमने इसलिए फेस की है कि जो सारे लड़के हैं वो हर वक्त इनको नजर रखते हुए जो है ना फॉलो। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं चाहूंगा कि आपसे थोड़ा सा ना मेन्यू डिस्कस करें कि आपका मेन्यू कितना वाइड है, क्या क्या आइटम्स आप दे रहे हैं, और वो आइटम्स वो फ्लेवर्स जो हमें ढूंढने से भी किसी जॉइंट में नहीं मिलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह पिज्जा इंडस्ट्री में अभी हमारा सबसे वाइडेस्ट मेन्यू है जिसके अंदर हमारे पास 18 डिफरेंट फ्लेवर्स हैं। अच्छा। जो ख्याल से अभी किसी भी पिज्जा पार्लर के पास नहीं होंगे 18 डिफरेंट फ्लेवर्स। उसके अलावा हमारे पास 12 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपेटाइजर्स हैं। एपेटाइजर्स 12। उसके अलावा बर्गर्स अभी हमने नए लॉन्च किए हैं जो कि बहुत ही ज्यादा चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है। सैंडविचेस हैं, पास्ता है, पिज्जा केक है, डेजर्ट्स हैं, तो हमारे पास कंप्लीट फूड सॉल्यूशन एक तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल। नाम से आप धोखा नहीं खाइएगा कि पिज्जा बने तो सिर्फ पिज्जा मिलेगा, जस्ट सर्विंग बर्गर सैंडविचेस जो कि बमुश्किल किसी पिज्जा जॉइंट में मिलते हैं। सो दिस इज समथिंग वेरी यूनिक और मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा कि ऐसा होता नहीं है कभी। जो है वो करेंगे हम, हमारा बहुत फेमस फ्लेवर है एक बार्बेक्यू डिलाइट, उसकी मेकिंग करेंगे, साथ साथ आपको मिक्स प्लेटर ट्राई करेंगे जो कि हमने रिसेंटली लॉन्च किया। मिक्स प्लेटर, मिक्स प्लेटर, उसके अंदर 3-4 डिफरेंट एपेटाइजर्स होंगे, आपको बड़ा मजा आएगा। जबरदस्त जबरदस्त। साथ में हम जो है वो थिन क्रस्ट में भी सर्व करते हैं, तो थिन क्रस्ट पेपरोनी आपको मैं ट्राई कराऊंगा जो आपको यकीनन बहुत पसंद। सो फाइनली ऑर्डर जो है वो सर्व हो चुका है। हसन भाई मौजूद हैं, हसन भाई सारी चीज़ें मुझे रिसाइन करते रहेंगे। ये तो थिन क्रस्ट है मुझे नज़र आ रहा है, और इसका फ्लेवर कौन सा है? ये पेपरोनी पैशन है। पेपरोनी पैशन 8 है। और ये बारबेक्यू डिलाइट है जो मैंने आपको बताया था ना, बहुत यूनिक फ्लेवर है। बारबेक्यू डिलाइट है और पेपरोनी पैशन 8 है। और ये सबसे खास और कमाल की चीज़ है, ये है इनका प्लेटर जो कि एपेटाइजर्स में इन्होंने निकाला है। इसमें डिफरेंट आइटम्स हैं, यहाँ पर जो है वो पोटैटो पील मौजूद है इनकी स्पेशल, साथ में गार्लिक ब्रेड है। ये क्या चीज़ है? चिकन विंग्स है, चिकन विंग्स हैं, नगेट्स हैं और गार्लिक मायो सॉस है। ये मेरे ख्याल में एक ऐसा आइटम है जो आपको किसी भी फास्ट फूड जॉइंट में नहीं मिल रहा, खासकर पिज्जा जॉइंट में तो मिल ही नहीं रहा है। ये इनकी स्पेशलिटी है, इनका खासा है जो इन्होंने ये इंट्रोड्यूस कराया। सो वी स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट वन जो मेरे पर सामने मौजूद है, में से हम लेते हैं पहला पीस। ये देखें आप, ज़बरदस्त। अच्छा, देखने में तो बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है ये, तो इसको टेस्ट करके देखते हैं कि इसका टेस्ट है कैसा। ओहो, पहले ही बाइट में बारबेक्यू सॉस का पंच आ रहा है। और साथ में मैं आपको बताऊं, बिलीव मी यार, बहुत सारे हमने पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट्स में, पिज़्ज़ा जॉइंट्स में ट्राई किए हैं पिज़्ज़ा, बट जो डो की सॉफ्टनेस है और सारी टॉपिंग्स की जो रिचनेस है वो टॉप ऑफ द लिस्ट है। नेवर ट्राइड समथिंग लाइक दिस। मैं ये भी आपको बता चलूँ कि इनके जो पिज्जाज हैं, इनके जो फ्लेवर्स हैं, वो ऐसे नहीं है। आप यूजुअली पिज्जा हट में जाओ, या मैं चलो नाम नहीं लेता, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में जाओ, तो आप 3 रेस्टोरेंट्स ले लो जो सिमिलर हों, सेम आइटम्स दे रहे हों, उनके फ्लेवर्स ना आपको 90-95% सेम मिलेंगे, नाम चेंज कर दिए होंगे, बट इनके पास जो फ्लेवर्स है ना वो आपको बाहर कहीं नहीं मिलने वाले, बट टोटली यूनिक, टोटली डिफरेंट है। सो नेक्स्ट वी गोना ट्राई पेपरोनी पैशनेट। ये देखें, ये थिन क्रस्ट में तैयार होता है। और अच्छा, मैं आपको ये बता चलूँ कि पिज्ज़ा जो ओरिजिनल है वो थिन क्रस्ट में ही है, जो कि इटालियन है। सो जब ये अमेरिका की तरफ आया तो ये न्यूयॉर्क स्टाइल में आ गया, जो कि थोड़ी सी मोटी डो होती है, बट जो ओरिजिनल पिज्ज़ा है वो थिन क्रस्ट ही होता है। अच्छा, ये बिल्कुल लेस स्पाइसी है और पेपरोनी का अपना फ्लेवर है, बट इफ़ यू आर अ चीज़ी लवर और आप चाहते हो कि यार डो जो है वो लाइट हो, इतनी ज़्यादा हैवी ना हो, थिन क्रस्ट हो, तो आपके लिए ये बेस्ट चॉइस है, खासकर वो लोग जिनकी फैमिली में बच्चे हैं या फिर जो थोड़ा सा चीज़ी, वुडी और डेंस फ्लेवर पसंद करते हैं, उनके लिए ये मस्ट ट्राई है, बहुत ज़बरदस्त इसका फ्लेवर है। सो फाइनली जिसका इश्तियाक था बहुत ज़्यादा वो हमारे सामने आ चुका है, वो है प्लेटर। और प्लेटर में मुझे जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की क्यूरियोसिटी थी वो थी पोटैटो पील, पोटैटो स्किन। ये देखें आप, इसकी इन्होंने फिलिंग की हुई है चीज़ के साथ और उसमें ऑलिव, पता नहीं इसके अंदर चीज़ ही मौजूद है या कुछ और भी फिल किया हुआ है, वाइट सॉस भी है, चीज़ भी है और वाइट सॉस भी है। सो आप देख सकते हो, जिंदगी में कभी भी आलू की जो स्किन है वो इतनी टेस्टी लगेगी मैंने कभी सोचा नहीं था। तो ये इनका कमाल है कि इन्होंने पोटैटो पील को भी इतने अच्छे से डेकोरेट किया है, इतनी अच्छी फिलिंग की है और उसको इतना फ्लेवरफुल बना दिया कि आप कभी तस्वीर भी नहीं कर सकते कि जो आलू की छिलके आप निकाल देते हैं वो इतने टेस्टी हो जाएंगे, कमाल है सर। साथ में यहाँ मौजूद है गार्लिक ब्रेड जिसकी अगेन चीज से टॉपिंग की हुई है और उसको बेक किया हुआ है। ये देखें, डिप दिस इन सॉस जो कि गार्लिक मायो है, गार्लिक मायो सॉस में डिप करते हैं।
बेहतरीन। इफ यू आर ऑर्डरिंग पिज्जा, आप यहाँ पर आए हैं पिज्जा खा रहे हैं, तो मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है कि आप ये प्लेटर जरूर मंगाएं यहाँ पे, बहुत कमाल है ये। क्योंकि आपको इसमें ना खास बात ये है कि एक प्लेटर के अंदर बहुत सारे फ्लेवर्स मिल जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं डिफरेंट ट्राई करने के लिए। और उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, एक तो आपकी क्रेविंग्स जो हैं वो केटर हो जाती हैं, उसके अलावा आपको अंदाज़ा हो जाता है कि इनके जो फ्लेवर्स हैं उसमें कितनी डाइवर्सिटी है। चिकन नगेट्स, अभी भी एक आइटम बाकी है प्लेटर में जो कि है चिकन विंग्स, आप ये देखें। अच्छा, ये फ्राइड है कि बेक्ड है? ये बेक्ड है। अच्छा, जब भी इसकी जो कोटिंग है ना और कलर जो है वो बड़ा यूनिक आ रहा है, ये देखें। ये जो है वो गार्लिक बटर में बेक किया है। ओ हो हो हो, फ्लेवरफुल है। अच्छा, ये गार्लिक बटर के साथ इसको बेक किया हुआ है, ये देखें कितना टेंडर चिकन हो रहा है, आप ये देखें बेहतरीन। प्लस इसमें जो बटर का फ्लेवर है और फ्रेशली बेक्ड है, मैं तो ये कहने पे मजबूर हूँ कि आपका एक एक आइटम जो है ना वो उसको अलग से तवज्जो चाहिए। अगर कोई शख्स ये मंगा लेता है तो वो तीनों पे तवज्जो नहीं दे पाएगा। तो मेरी एक छोटी सी रिकमेंडेशन ये भी है कि अगर आप आएँ तो एक दफ़ा ना आएँ, आप फिर बार बार आएँ, एक दफ़ा आएँ तो तफसील से फिर एक फ्लेवर को ट्राई करें, फिर एक फ्लेवर को ट्राई करें, फिर प्लेटर को ट्राई करें, क्योंकि हर आइटम बहुत जामे हैं। उसके जो फ्लेवर्स हैं, जो उसकी प्रेजेंटेशन है, मेकिंग से लेकर प्रेजेंटेशन तक सारी चीज़ें टॉप ऑफ द लिस्ट है, बेहतरीन। जी तो नाज़रीन मोहतरम, ये था हमारा आज का व्लॉग, आपने वीडियो देखी, वी ट्राइड सो मैनी थिंग्स। अच्छा, एक बड़ी ख़ास बात है वो मैं एडअप करता चलूँ कि हमारे यहाँ एक कल्चर बन गया है, लोग इमोशनल हैं और इमोशनली चीज़ों से अटैच हो जाते हैं। कोई खातून की वीडियो आए कि शी इज़ डूइंग समथिंग रियली नाइस और वो मेहनत कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, लोग शेयर करते हैं, इमोशनल अटैच हो जाते हैं। किसी बच्चे की वीडियो आए तो लोग इमोशनली अटैच हो जाते हैं। किसी बूढ़े ज़हीफ़ इंसान की वीडियो आए कि वो मेहनत कर रहा है तो लोग इमोशनली अटैच है। यार, एक नौजवान मेहनत कर रहा है, 15 साल से वो रेस्टोरेंट रन करने की कोशिश कर रहा है, 15 साल में उसने बहुत अप्स एंड डाउन देखे, लोग तबाह हो गए, बट उसने हिम्मत नहीं हारी, तो वाई वी आर नॉट सपोर्टिंग हिम, हम क्यों उसको सपोर्ट नहीं कर रहे? यार, बिजनेस तो बिजनेस है, मेहनत तो मेहनत है, एंटरप्रेन्योरशिप तो एंटरप्रेन्योरशिप है। तो ही इज़ डूइंग दिस फ्रॉम 15 ईयर्स, और 15 सालों में से पिछले 3 साल तो ऐसे गए हैं, आपको पता है कि लोग उसमें जो है ना, मैं समझता हूँ कि प्राटो से फुटपाथ पर आ गए, बट हिम्मत नहीं आ रही है इसने, ही इज़ डूइंग, तो डू सपोर्ट हिम। और तमाम चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी, एम्बियंस बहुत अच्छा लगा, मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही मौजूद बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली अच्छी न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक बर वक्त बआसानी पहुँच सके।